कौमी असेंबली इजलास के बारे में, जहां पीटीआई के गिरफ्तार अरकान पहुंच गए हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खसूसी नैयर अली हमें ज्वाइन कर रही हैं। नैयर अली, पीटीआई के गिरफ्तार अरकान 10 इनकी तादाद है, इनके नाम भी बताइए, खबर की तफसील भी बताइए। जी बिल्कुल किरण, कौमी असम्बली का इजलास जो है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे उन तमाम पीटीआई के रहनुमाओं के जिनको गिरफ्तार किया गया था पार्लियामेंट की हदूद के अंदर से और बाहर से, और स्पीकर की तरफ से ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स के नतीजे में जो है वो अब 10 अरकान कौमी असम्बली जो है इनको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया है और वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर में मौजूद हैं। इन जिनको पहुंचाया गया उनमें वकास अकरम, शेख जैन कुरैशी और यूसुफ खान है, जबकि उनके साथ साथ अवैध झक्कर, मलिक आमिर डोगर हैं, अहमद चट्टा हैं, जबकि जुबैर खान, शाह अहद खटक, सैयद नसीम अली शाह और शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं, और कायम मकाम सार्जेंट आर्म्स फरहत अब्बास के हवाले किया गया इनके। और जब इनको यहाँ पर पहुँचाया गया किरण, तो उस वक्त हमने देखा कि काफ़ी गहमा गहमी थी, और जब ये तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं ये गाड़ी में से, इनको एक बड़ी गाड़ी में से निकाला गया है, एक ही गाड़ी में से, तो ये नारे लगाते हुए निकले हैं पी टी आई के हक में और बानी पीटीआई के हक में। और इसके बाद जो है वो इन्होंने जो जब हमने इनसे पूछा है तो कि उनको यहाँ पर पहुँचाया गया है और अब वो ऐवान में जाएंगे, इनकी जाने से कहा गया था कि हम ऐवान में जाएंगे अभी और जाकर अपना मौकफ वहाँ रखेंगे। जी नैयर अली, सारा माहौल बता रही हैं आप, सारी खबर आप बता रही हैं, बहुत शुक्रिया।